assalamu alaikum students i hope you all are fine it's a video for class 6 students okay students so this is your self assessment just for evaluating your own work and learning progress assessment number one time duration is 40 minutes attempt all the given questions no choice is given question number one is filling the blanks first is one arab is equal to dash in international system इन इंटरनेशनल सिस्टम वन अरब किसके इक्वल होता है वो आप अपने ब्लैंक में लिखोगे सेकंड इज अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डैश प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है वो आप, वो आप आपने अपने ब्लैंक में लिखना है थर्ड इज टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन द डैश एलिमेंट्स फोर्थ 512 हंड्रेड एंड ट्वेल्व प्लस टू हंड्रेड एंड डैश प्लस एंड फिफ्थ इज अट सेल्ड जो भी वर्ड यूज होता है वो आप अपनी ब्लांक में लिखोगे नाउस्ट क्वेश्चन नंबर टू इज री राइट द फॉलोइंग यूजिंग सेट बिल्डर न्यूटेशन अब आपके पास यहाँ पे कुछ सेट गिवन है और आपने इनको सेट बिल्डर न्यूटेशन में लिखना है फर्स्ट वन इज ए सेट ए सेट में मेरे पास क्या कौन सा एलिमेंट गिवन है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन एंसो ऑन सेकेंड बी सेट है बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड सो ऑन थर्ड सी सेट है सी सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट है टू फोर्थ डी सेट है डी सेट के एलिमेंट्स हैं वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स एंड सो ऑन फिफ्थ ई सेट है उसके एलिमेंट्स हैं सिक्स 12 एंड एटीन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिफाइंड अब फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच अब आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म्स गेवन है इनको आपने डिफाइन करना है विद वन एग्जाम्पल फर्स्ट इज यूनिवर्सल सेट सेकेंड कॉम्पोजिट नंबर्स थर्ड ओवरलैपिंग सेट्स ऑल बाई आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है विद वन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो विद एग्जाम्पल्स आपने प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है जीरो की विद एग्जाम्पल्स नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज विदाउट एक्चुअल डिविजन स्टेट वाद द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई टू थ्री फाइव और इलेवन ओके विदाउट एक्चुअल डिविजन आप लोगों ने बताना है ठीक है अब इन दोनों नंबर्स पे आप लोगों ने डिविजन रूल अप्लाई करने हैं फोर टू थ्री फाइव एंड इलेवन और चेक करना है विच वन इज डिविजल बाय टू थ्री फाइव और इलेवन और Okay, we have done with this. Next is assessment number two. टाइम ड्यूरेशन इज सेम फोर्टी मिनट अटेम्प ऑल द गि क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इंडिकेट दू और फॉल्स अब आप लोग के पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवेन है आपने बतानेस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस माइनस ट्वेल्व अगर ये ट्रू है तो आप लोग आगे लिखोगे ट्रू और अगर ये फॉल्स है तो आप लोग लिखोगे फॉल्स सेकेंड द एल्सियम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स थर्ड For integers of like signs, the quotient is negative. Fourth, the value of 5 multiplied by minus 3 minus minus 3 is minus 18. Next is 5. If the HCF of two numbers is 1, then the numbers are called co primes. Sixth, 27 plus minus 27 is equal to 54. Seventh, is minus fifteen is greater than minus three? Eight. Factualization is the reverse of division. Nine, negative of minus five does not exist. Tenth, the product of two integers of like signs is a positive integer. Okay. Next question is question number two. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ numbers आर को प्राइम्स अब आप लोग के पास कुछ पेयर्स गिवन है नंबर्स के और आपने बताने हैं विच वन इज को प्राइम एंड विच वन इज नॉट फर्स्ट इज थर्टी एंड थर्टी सेवन एंड सेकेंड इज ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर ऑल राइट क्वेश्चन नंबर थ्री इज फाइंड द लोवेस्ट नंबर डिविजिबल बाय फिफ्टीन टवेंटी एंड ट्वेंटी फाइव आप लोगों ने लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज डिविजल बाई ट्वेंटी एंड 25. Alright now question number 4 is at noon on a certain day in Hunza the temperature rise to 11 degree above zero. At midnight the temperature fall to 5 degree below zero. Find the change in temperature. Okay you have rising temperature given which is 11 degree centigrade and at midnight the temperature given is 5 degree below zero. फाइव डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो ने फाइंड आउट करना है चेंज इन टेम्परेचर ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इज ए ए पार्ट इज के टू पार्ट हैं फर्स्ट इज ए पार्ट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इंटीजी नाइन इफ वन ऑफ दन फिफ्टी फाइंड दर अब हमारे पास टू इंटीजर्स का सम काज माइनस वन ट्वेंटी नाइन उनमें से एक इंटीजर है 150, और आप लोगों ने दूसरा इंटीजर फाइंड आउट करना है बी पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ